नमस्कार। आज फिर मैं एक बार आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है माइल्ड वेंट्रिकुलो मेगैली। तो ये माइल्ड वेंट्रिकुलो मेगैली क्या होता है? अगर माइल्ड वेंट्रिकुलो मेगैली किसी बच्चे के स्कैन में आ रहा है तो हमें आगे क्या करना चाहिए और किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगैली जनरली जब सेकेंड ट्राइमेस्टर का टारगेट स्कैन होता है उस टाइम पर यह फाइंडिंग कई बार कुछ कुछ बच्चों में मिलती है। तो क्या होता है यह माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगैली? जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि आखिर ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, और ब्रेन के टिश्यू के बीच में हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं। दोनों तरफ एक एक वेंट्रिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, और इन लेटरल वेंट्रिकल्स में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। ये कोरोइड प्लेक्सस नाम का जो टिश्यू होता है इसका काम होता है ब्रेन में फ्लूड को बनाना, जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कहते हैं। तो इन वेंट्रिकल्स को एक पर्टिकुलर प्लेन में एक पर्टिकुलर जगह पर नाप कर देखा जाता है कि इनकी चौड़ाई कितनी है। इन वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ फ्लूड भरा होता है, तो हम उनको जब उस स्पेसिफिक जगह पर नापते हैं और अगर वो मेजरमेंट 10 mm से ऊपर आता है तब हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलो मेगैली। अगर यह मेजरमेंट 10 से लेकर 15 mm तक के बीच में है तो हम उसको माइल्ड वेंट्रिकुलो मेगैली बोलेंगे। अगर 15 mm से ऊपर है तो फिर हम इसको सीवियर वेंट्रिकुलो मेगैली बोलते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं माइल्ड वेंट्रिकुलो मेगैली की। तो नॉर्मली इन वेंट्रिकल्स का साइज कितना होता है? नॉर्मली ये 4 से 6 mm के बीच में इनका साइज होता है, और अगर ये 10 mm से ऊपर हो जाते हैं तो हम इस कंडीशन को माइल्ड वेंट्रिकुलो मेगैली बोलते हैं। अच्छा, माइल्ड वेंट्रिकुलो मेगैली अपने आप में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज के कारण ऐसा हो सकता है, या कई बार ये नॉर्मली भी कुछ बड़े हुए होते हैं वेंट्रिकल्स जो टाइम के साथ में ठीक हो जाते हैं। तो अब अगर किसी बच्चे की अल्ट्रासाउंड स्कैन में अगर माइल्ड वेंट्रिकुलो मेगैली आ रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये किन कारणों से ऐसा हो सकता है? जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कुछ बच्चों में नॉर्मली ये 10 के ऊपर हो सकता है। अगले स्कैन में हम जब 3 से 4 हफ्ते के बाद में ये स्कैन करके देखते हैं तो ये नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। लेकिन माइल्ड वेंट्रिकुलर मेगैली सबसे पहले तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट मार्कर है ट्राइसोमी 21, यानी कि डाउन सिंड्रोम का। तो ये किसी न किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से भी बढ़े हुए हो सकते हैं। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है फीटस में, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन अगर हुआ है बच्चे में, तो उस कंडीशन में भी वेंट्रिकल्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कॉर्पस कैलोसम में कोई एबनॉर्मेलिटी है या ब्रेन के पोस्टीरियर फोसा में कोई और एबनॉर्मेलिटी है, तो उस कंडीशन में भी वेंट्रिकुलोमेगैली हो सकती है। साथ ही साथ ये बहुत सारे सिंड्रोम के साथ भी इसका एसोसिएशन है। तो इसका जो एसोसिएशन या फिर इसके जो कॉज हैं ये बहुत ही ब्रॉड हैं और जिनको पता लगाना हमें जरूरी है। बहुत सारे कॉजेज का हम पता लगा सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज ऐसे होते हैं जिनका पता हम इस टाइम पर हम नहीं लगा सकते। 20 से 22 हफ्ते के बीच में ये टाइम के साथ साथ फिर वो इवॉल्व होती हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे वो कॉज फिर सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें जब भी वेंट्रिकुलोमेगैली अगर किसी भी बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ रहा है तो पहले तो फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट से आप संपर्क करें, वो एक बार फिर से ब्रेन को, बच्चे के ब्रेन को और पूरे बच्चे को फिर से एक बार स्कैन करेंगे। उसमें देखने की हम कोशिश करते हैं कि कहीं कोई और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है, साथ ही साथ ब्रेन में कोई और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है, या फिर ब्रेन के अलावा किसी और ऑर्गन में तो कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी तो नहीं है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर मान लीजिए कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी ब्रेन में नहीं आ रही है उस टाइम पे, किसी और स्ट्रक्चर में या बेबी के किसी भी और भी ऑर्गन में कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आ रही है, तो फिर हम इसको एक आइसोलेटेड वेंट्रिकुलोमेगैली तब बोलते हैं उस टाइम पर।
लेकिन इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये इसका क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज के साथ स्ट्रांग एसोसिएशन है, खासकर ट्राइसोमी 21 के लिए। तो अगर माइल्ड वेंट्रिकुलोमेगैली है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क की उनका पहले जो स्क्रीनिंग हुई है उसमें रिस्क कितना आया है और कोई सॉफ्ट मार्कर नहीं भी मिल रहा है, तब भी ये काफी स्ट्रांग मार्कर होता है। तो इस कंडीशन में फिर हमें बच्चे के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के लिए टेस्ट जरूर करने चाहिए। उसके लिए हमें डेफिनेटिव टेस्ट एमनियोसेंटेसिस करके और बच्चे के क्रोमोसोम्स को डायरेक्टली देखना चाहिए कि बच्चे के क्रोमोसोम्स का पैटर्न कैसा है। साथ ही साथ जब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो इसमें हम एक टॉर्च इन्फेक्शन के लिए भी एक टेस्ट भेजते हैं जिसको हम टॉर्च PCR बोलते हैं। तो ये दो टेस्ट हमको करवाना ही चाहिए उसके बच्चे के। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये टेस्ट हमारे नॉर्मल आते हैं तो फिर उसके बाद हमें 2 से 3 हफ्ते में फिर से ब्रेन को देखना है, फिर से इवेल्युएट करना है कि आखिर इन वेंट्रिकल्स का क्या हो रहा है, ये वेंट्रिकल्स के साइज कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं और या फिर ब्रेन में कोई और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही है। क्योंकि ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंटिन्यू ग्रो करता है, तो अगर 22 हफ्ते 24 हफ्ते तक में कोई एबनॉर्मेलिटी ब्रेन में नहीं दिख रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है या ब्रेन में कोई और एबनॉर्मेलिटी नहीं आ सकती है। कुछ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम माइग्रेशन डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो 28 से 30 हफ्ते या उसके बाद भी डेवलप हो सकते हैं। तो अगर अगले स्कैन में अगर बच्चे के वेंट्रिकल्स अगर नॉर्मल साइज में आ जा रहे हैं तो हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ अब कोई और एबनॉर्मेलिटी नहीं आ रही है या कोई और एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर उनका साइज बढ़ रहा है या फिर उतना ही है, 10 10 mm के ऊपर ही है, तो हमें फिर से 2 या 3 हफ्ते में फिर से एवेल्युएट करके देखना है। कुछ कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि उनके जो कल्स के साइज हैं वो 10 mm 11 mm ऐसे हैं 22 हफ्ते में, फिर 26 हफ्ते तक भी वो इसी उस पे स्टेबल है, लेकिन उनके 30 हफ्ते या 32 हफ्ते या 36 हफ्ते में एकदम से उन वेंट्रिकल्स के साइज बढ़ गए और वो इतने बढ़ गए कि उन्होंने पूरे ब्रेन के जो पैरेन्काइमा है उसको ही डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। वेंट्रिकुलोमेगैली का कोर्स बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, आगे जाके ये कैसे प्रेजेंट करे ये नहीं कहा जा सकता है। तो इसके लिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है, लेकिन डरना नहीं है। इसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन हमें टाइम पर करवाना है, एमनियोसेंटेसिस कराना है, टॉर्च PCR कराना है और ब्रेन का डिटेल एवेल्युएशन करवाना है हमें। जरूरत पड़ने पर कई बार हमें ब्रेन MRI भी करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें अगर ये सारी चीजें हमारी नॉर्मल आ रही हैं, जैसे कि अगर क्रोमोसोम्स बच्चे के नॉर्मल आ रहे हैं, टॉर्च इन्फेक्शन का कोई भी साइन नहीं हमको दिख रहा है या फिर जो टॉर्च PCR करवाया वो निगेटिव आ रहा है और उसके बाद फॉलो अप में भी बच्चे के जो वेंट्रिकल्स हैं वो नॉर्मल दिखने शुरू हो रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और इसमें कोई और एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।